आज मैं फनस की गुठलियों की आमटी बनाने जा रही हूँ गोलबे के साथ में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गुठली ली हूँ, ये फनस की गुठली आटला भी बोलते हैं इसको, जिसकी मैं आज आमटी बनाने वाली हूँ। और यहाँ पर मैंने कोलिम ली हूँ, इसको मैंने अच्छे से धोकर इसको ऐसा पानी में कट करके, इसको पानी में रखने से इसका चीक है एक बार निकल जाता है इसमें पानी में रखने से, इसको मैंने धोकर ली हूँ। यहाँ पर मैंने ऑयल ली हूँ एक बड़ा चम्मच और छोटी प्याज ली हूँ, इसको ऐसे कट करके ली। मसालों में यहाँ पर मैंने नमक ली हूँ आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर है आधा चम्मच और हल्दी पाउडर आधा चम्मच है, धनिया की पाउडर आधा चम्मच है, एक चम्मच मैंने लाल मसाला ली हूँ कोकनी मसाला। यहाँ पर मैंने आधी वाटी का खोबरा ली हूँ, इसको पानी में एक घंटा भिगो दी थी, इसको पीस के लेना है। और ज़ीरा ली हूँ आधा चम्मच और लहसुन के कलियाँ ली हूँ मैंने चार पाँच। यहाँ पर मैंने मिक्सर का जार ली हूँ, इसके अंदर मैं एक खोबरा कट करके ली हूँ, इसमें ऐड करूँगी और साथ साथ लहसुन और जीरा डाल के इसको बारीक पीस के लेना है। इसमें मैं खोबरा और लहसुन और जीरा डाल के इसको पीस के लेना, पहले ऐसे ही पीस के लूँगी, फिर उसमें आधा कप पानी डाल के अच्छा सा पेस्ट बना के लूँगी। मैंने अच्छा सा इसका पेस्ट बना के ली हूँ। मैंने एक डेगची ली हूँ और गैस चालू की हूँ, धीमी आंच रखी हूँ, इसमें तेल ऐड करूँगी एक बड़ा चम्मच, इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी और प्याज को फ्राई करके लेना है, इसको अच्छे से नरम करके लेना है। मैं लगातार चलाते हुए कोली में इसमें पानी डाल के लिए इसको धो के लेना है अच्छे से। जैसे फ्राई हो चुकी है, इसके अंदर हल्दी को ऐड करूँगी, मसाले ऐड करेंगे हम इसमें, धनिया की पाउडर, ज़ीरा पाउडर और एक कोकनी मसाला भी ऐड करेंगे, साथ साथ नमक भी ऐड करेंगे इसके अंदर। तो मसालों को अच्छे से भून लेना है, इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और मसालों को अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डालने से मसाले जलते नहीं है और एक ग्रेवी भी अच्छी बन जाती है इसकी। अच्छे से भून लेना है मसालों को। मसाला एक मिनट तक अच्छे से भून के लियो मैंने इसमें। इसमें ये फनस की गुठलियाँ ऐड करेंगे, बीज ऐड करेंगे इसके अंदर, अटुल भी बोलते हैं इसको। इसको पहले ऐसा मैंने उनके टाइम पे फनस होते ताज़े ताज़े, उसके गुठलियाँ निकाल के पकेले फनस के या तो कच्चे फनस के जैसे उसको मट्टी लगा के पहले लोग सुखा के रखते थे और बारिश के दिनों में बना के चमटी बना के इसको खाया करते थे। तो ये बहुत अच्छी लगती है। इसमें साथ में मैं कोलिम भी ऐड करूँगी और उसको अच्छे से भून के पका के देंगी। सकते आप अच्छे से पक चुके हैं गुठलियाँ, इसको 20 मिनट तक अच्छे मैं पका के लिए हूँ। देख सकते गल गए, आप नहीं पके तो आप एक दो सीटी इसको कुकर में ले सकते हैं। इसमें मैं खोबरा ऐड करूँगी पिसा हुआ, खोबरा ऐड करेंगे पिसा हुआ और अच्छे से मिक्स करके इसको अच्छे से पका के लेना है धीमे आंच पे। दो तीन मिनट इसको अच्छे से पका के लेंगे। साथ में मिक्सर में जो खोबरा बचा है उसमें पानी ऐड करके आधा गिलास इसमें ऐड करेंगे। आपको जितना सालन चाहिए, कितनी आमटी चाहिए आपको, आप उतनी उसमें पानी ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छे से धीमे आंच पे इसको पका के लेना है। तो अच्छा 5 मिनट अच्छे से इसको पका के लेंगे हम धीमे आंच पे। अच्छे से पक चुके हैं, मैं इसको 5 मिनट अच्छा धीमे आंच पे पका के ली हूँ। बहुत तो अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, कोलिम डाली हूँ, अच्छा टेस्टी आमटी बनती है। देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त बनी है।
कोलिन भी इसके अंदर खाने में बहुत अच्छी लगती है, चावल के साथ में चाहे रोटी के साथ में खाया जाता है इसको। अभी ये सर्व करती हूँ गुठलियों की आमटी। मैंने गुठलियों की आमटी सर्व की हूँ। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।